इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अपने UPI का पिन जो है अगर चेंज करते हैं या सेट करते हैं फ़ोन पे पर, और हम यहाँ से डाल कर नंबर वगैरह वैलिडेट वगैरह डालकर प्रोसीड करते हैं, तो प्रोसीड में सबसे पहले OTP हमें मिलता है, राइट पर टिक करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम पिन डालते हैं कोई सा भी अपना, जैसे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको सेट कर देते हैं। और कंफर्म UPI डिजिट, इसको भी यहाँ पर हम दोबारा से सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर अगर पिन रहता है। तो उसके बाद हम राइट पर टिक करते हैं, तो यहाँ पर अभी हमारा पिन मैच नहीं हुआ है, तो हम दोबारा से इसको मैच करा देते हैं, ठीक है, और राइट पर टिक करते हैं, दोबारा से इसको डालते हैं, ठीक है, अब राइट पर टिक करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाता है देख लीजिए, ये दिखाता है अनवेल टू सेट UPI, यानी कि हमारा UPI जो पिन है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। अब हम ट्राई अगेन दोबारा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर कर सके तो बैंक में डिटेल चेक कर लीजिए, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो उसमें चेक कर लीजिए, डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग आपकी डिटेल्स हो वो भी चेक कर लीजिए। अगर वो आपसे बैंक के कॉन्टैक्ट में कहें कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो आप करिए, इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, कार्ड की डिटेल्स। अगर कार्ड की डिटेल एक भी गलत हो जाएगी यहाँ से, वैलिड अप टू कम हो जाएगी, या यहाँ पर 6 डिजिट का कोड अगर गलत हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये इसी तरीके का एरर दिखाएगी। यहाँ पर 6 डिजिट लास्ट के जो नंबर रहते हैं वो ये डालने को बोल रहा है, वही यहाँ पर डालते हैं। अगर हम गलत सलत ऐसे ही डाल लेंगे, ठीक है, और प्रोसीड हो जाएगा, ये OTP भी आ जाएगा, ठीक है। OTP आने के बाद राइट पर टिक कर देते हैं और यहाँ पर हम पिन डालते हैं, तो ये दोबारा से ही वही एरर दिखा देगा जब तक हम ये सही चीज़ नहीं डालते। और अगर ब्लॉक वगैरह है तो आप बैंक से जाकर कंफर्म कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये एरर निकलता है, और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं सही डालकर, जो कि मैंने तो गलत डाला था, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। बाकी अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।